दोस्तों, ये माना जाता है कि सन 2050 तक दुनिया की कुल आबादी 9 अरब के आंकड़े को पार कर चुकी होगी, परंतु तब तक किसान नामक संजीव जीव विलुप्त हो चुके होंगे इस धरती से। वही किसान जिन्हें कुछ लोग गवार समझते हैं, और वही गांव की इंसल्ट कुछ इस तरह की जाती है कि जैसे गांव एक बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा इलाका है जहां मूर्ख इंसान रहते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं। दोस्तों, हाई क्लास सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के लोग ये भूल जाते हैं कि अगर किसान किसानी करना छोड़ दे और दुनिया की तीन सबसे बड़ी फसलें यानी कि गेहूं, चावल और मक्का बार बार उगा उगा कर ज़मीन थक चुकी होगी, और तब ज़मीन में भी पसीने के बदले अन्न देना छोड़ देगी। और कारण क्या होगा दोस्तों? हमारी केमिकल खेती और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और दोस्तों, वह समय दूर नहीं होगा जब ये तीन मुख्य फसलें धरती पर से विलुप्त हो जाएगी और आप चावल की जगह कीड़े खा रहे होंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक कोरी कल्पना है। कहाँ से आएगा इतना खाना? जब हम हमारी खेती प्लाट काट काट कर बेचते जाएंगे, जब निरंतर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी धरती बंजर हो चुकी होगी, तो मजबूरन इस स्थिति में इंसान को कीड़े खाने की तरफ बढ़ना ही होगा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे संभव हो सकता है, परंतु ये बात सत्य है दोस्तों। दोस्तों, आज से 50 साल पहले जो चीज़ें हमारी कल्पना से भी परे थी, किंतु आज के युग में वह चीज़ें भी हो रही है। तो दोस्तों, जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई, तो वो चीज़ें भी तो संभव हो सकती है आने वाले 30 या 40 सालों में। और हालांकि ब्रिटेन ने तो फंडिंग तक भी शुरू कर ली है गरीब और भुखमरी से ग्रस्त देशों को भुखमरी से बचाने के लिए, और ये भी टेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आ गई तो तब इंसान इस स्थिति में क्या करेंगे। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि क्या होगा जब विज्ञान की प्रगति के साथ साथ कुछ चीज़ें अच्छे के लिए विलुप्त होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके विलुप्त होने पर हम उनकी अहमियत समझ पाएंगे, जैसे कि हमारे किसान। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो भविष्य में बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। दोस्तों, नंबर वन पे है चॉकलेट। दोस्तों, जिस गति से कोको का उत्पादन कम हो रहा है, उसे देखते हुए पूरी तरह से चॉकलेट का गायब होने की संभावना दूर नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है गोल्ड, यानी कि सोना। सोना धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से विलुप्त हो रहा है दोस्तों, और सोने के व्यापारी भी खुद को इस व्यवसाय से दूर रख रहे हैं। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों कैश। दोस्तों, भविष्य में कैश की कोई अहमियत नहीं होगी, और आने वाले कुछ सालों में हमारे स्मार्टफोन और फिंगरप्रिंट की सहायता से आप अपने पसंदीदा सामान को खरीद सकेंगे। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों सिग्नेचर, यानी कि हमारा हस्ताक्षर। दोस्तों, भविष्य में जैसे कि आयरिस रीडिंग, फिंगरप्रिंट और हमारी आवाज़ की सहायता से हमारे हस्ताक्षर में तब्दीली की जाएगी। पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों रिमोट कंट्रोल। दोस्तों, आने वाले समय में टीवी का चैनल बदलने के लिए हमारी वॉइस कमांड और वॉइस सर्च ही पर्याप्त होगी। दोस्तों, छठे नंबर पे आता है ट्रैफिक जैम्स। आने वाले समय में हमारी गाड़ियाँ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक होगी और विदाउट फ्यूल होगी, और बिना ड्राइवर की सहायता से ये चलेगी, और ये निर्देश अनुसार स्थान तक पहुँचाएगी। और ये भी आशा है कि इन गाड़ियों में रियल व्यू मिरर यानी कि शीशे की आवश्यकता नहीं होगी। सातवें नंबर पे आता है फास्ट फूड वर्कर्स। दोस्तों, ऑर्डर लेना, भोजन तैयार करना और घर पर आए मेहमानों की सेवा करना, ये सारी चीज़ें मशीनों द्वारा संभव होगी, यानी कि दोस्तों मशीन और ड्रोन की सहायता से ये संभव होगा। रेस्टोरेंट और होटल्स में मेनू कार्ड की जगह टच स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे आपके टच करते ही आपके समक्ष रोबोट द्वारा खाना परोसा जाएगा।
आठवें नंबर पे आते हैं दोस्तों सर्जन्स एंड डॉक्टर्स। दोस्तों आने वाले समय में डॉक्टर्स और सर्जन का स्थान रोबोट लेने वाले हैं। जटिल से जटिल ऑपरेशन भी रोबोट के द्वारा संभव होगा। नौवें नंबर पे आता है दोस्तों डायबिटीज़। आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल शुगर यानी कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को राहत महसूस होगी। यानी कि अगर सीधी भाषा में बताएं तो दोस्तों जो हमारी बॉडी में पैनक्रियाटिक सेल्स यानी कि कोशिकाएं, उनका ट्रांसप्लांटेशन आने वाले समय में आसानी से किया जा सकता है, जिससे मधुमेह जैसी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दसवें नंबर पे आती है हमारी प्राइवेसी। आप चाहे कहीं भी हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सहायता से आपकी प्राइवेसी को छीन लिया जाएगा। आपकी हर आदत, हर खरीदारी का पैटर्न रिकॉर्ड किया जाएगा। आपकी हर मूवमेंट पर नज़र रख दी जाएगी दोस्तों इस इंटरनेट की दुनिया में। 11वें नंबर पे आता है दोस्तों लॉक्स एंड कीज़। आने वाले 20-30 सालों में आपके ताले और चाबियां ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, इनकी जगह प्रमुख कार्ड रीडर होंगे। 12वें नंबर पे आते हैं हमारे चार्जर्स यानी कि मोबाइल के चार्जर्स या कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होगी तो उनके चार्जर्स। दोस्तों ब्लूटूथ नेटवर्किंग और वायरलेस की इस दुनिया में आप बिना किसी वायर्स के अपने सेल फोन को चार्ज करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।